देवघर जिला प्रशासन ने टावर चौक सहित कई जगहों पर एक साथ मास्क, हेलमेट एवं अतिक्रमण को लेकर स्पेशल जांच अभियान चलाया, जिसमें सुरक्षा के साथ सावधानी बरतने पर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही दुकानदारों को मास्क पहनना एवं रोड से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि मास्क अवश्य ही पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। मंदिर के रास्ते आजाद चौक सहित लक्ष्मी मार्केट में फैलाए गए अतिक्रमण को जल्द हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर दुकानदार जल्द अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उन पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। आवश्यकता पड़ा तो प्रशासन द्वारा दुकान को सील किया जाएगा। देवघर से अवनीश। आज हम लोग एक तौर पर इन लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप लोग जो है मास्क पहनिए अनिवार्य रूप से, और इसके बाद जो है इसमें डिसोबीडियंस का सेक्शन है 179, उसके तहत 500 रुपये फाइन है, 500 रुपये फाइन भी करेंगे। और दूसरा है कि आवश्यकता पड़ेगी तो इन लोग का दुकान को भी सील करेंगे। आप लोग सब अवगत हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना के बाद में अब सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है, और ये जो द्वितीय फेज जो है ये और ख़तरनाक है। इसमें आदमी को सभी कोई को एहतियात बरतने का बहुत ही ज़रूरत है। तो कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि एवरीबॉडी शुड वेयर अ मास्क, फेस मास्क। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।